एम रिवॉर्ड एप्लीकेशन में विड्रॉल कैसे लगाया जाता है, विड्रॉल कैसे लगाना है, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को आप कम्प्लीटली एंड तक वॉच कीजिए ताकि आपको विड्रॉल का जो प्रोसेस है वो अच्छे से और बेहतर तरीके से समझाया जा सके। तो विड्रॉल लगाना काफ़ी ईजी है, इसके लिए हमने हमारी कॉइन्स भी विड्रॉल जैसे जितने कर रखे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि विड्रॉल कैसे करना है। तो यहाँ पर विड्रॉल करने के लिए सबसे पहले आपको रिवॉर्ड्स वाले सेक्शन पर क्लिक करना है जो कि बीच में है। रिवॉर्ड्स में आने के बाद यहाँ पर देखिए, अब 5 रुपये का जो पेटीएम कैश है वो 500 कॉइन पर मिलेगा। बेसिकली आप जैसे साइन अप करोगे तो आपको 499 मिल जाते हैं कॉइन्स। एक कॉइन आपको इंक्रीज करना होता है जो कि आप कोई गेम प्ले करोगे 2-4 मिनट तो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद भी आप मतलब कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे पेटीएम है तो मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है, जैसे गूगल प्ले का भी ले सकते हैं आप 1000 कॉइन पर है, फ्लिपकार्ट का भी है 2500 कॉइन से 25 रुपये मिलेंगे, 5000 कॉइन पर 50 रुपये इस तरीके का, और फ़ोनपे से भी आप जो है गिफ्ट कार्ड मंगवा सकते हैं। बेसिकली मैं आपको नॉर्मल बताऊँगा, पेटीएम पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और जो भी आपके कॉइन होगा उसको चेक करके आप उस टाइप का अमाउंट लेंगे। मैं यहाँ पे पेटीएम के ऊपर क्लिक करूँगा 5 रुपये के वाले, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है, और एक बार चेक कर लीजिए मोबाइल नंबर सही है। सबमिट रिक्वेस्ट करने से पहले यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल नंबर आपने सही डाला है, यहाँ पे 48 आवर्स बताया गया है कम्प्लीट होने में, कन्फर्म पर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए प्लीज़ वेट लिखा है और रिक्वेस्ट सबमिटेड, ठीक है, यहाँ पे योर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट, 5 जो कैश है वो आपके खाते में 48 आवर के अंदर जाएगा, ये बताया गया है। यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन मेरा सक्सेसफुल दिखा रहा है, यहाँ पे पेंडिंग वगैरह में नहीं गया है, ये ऑटोमेटिकली डायरेक्टली हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 48 आवर्स तक वेट करना है, और 48 आवर्स तक जैसे आपके कंप्लीट होते हैं उससे पहले ही, कभी कभी तो 10-15 मिनट में ही आपका पैसा आ जाएगा, कभी कभी 48 आवर लगते हैं बट आ जाता है, और बाई चांस नहीं आता है किसी कारणवश, अगर आपकी KYC वगैरह या फिर कोई दिक्कत है आपके अकाउंट में पेटीएम वाले, तो होगा क्या कि आपको रिफंड मिलेगा, आपका पैसा वापस आ जाएगा।